हेलो फ्रेंड्स, मैं चक्रपाणि पांडे अपने यूट्यूब चैनल हमारी पुष्प वाटिका लखनऊ पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि सेंडर में गुलाब को कैसे लगाएं। तो ये 2.8 mm का सेंडर है और इस सेंडर में गुलाब की हम किस तरह से रिपोर्टिंग करें, किस साइज़ के गमले का इस्तेमाल करें, इसी सब की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि सारी बातें आपको क्लियर हो जाएं। सेंडर एक ऐसा मीडिया है जिसमें हमें कोई विशेष चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये वेल ड्रेन मीडिया होता है, इसलिए इसमें फर्टिलाइजर डालते समय बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। और इसके लिए हम ये जो खुले पॉकेट वाले गमले हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से इस पॉकेट को हम कुछ ईंटों के टुकड़े से ढक देंगे मीडिया सेंडर डालने से पहले, क्योंकि सेंडर 2.8 mm का है। ये अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये नीचे से खुद ही निकल जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। अब इसमें अगर हम इस तरीके का गुलाब लगाते हैं, तमाम गुलाब रखे हुए हैं इधर, इस तरीके का गुलाब लगाते हैं तो ये जो रेड सॉइल में गुलाब है इसको अच्छी तरह से वाश कर लेंगे। वाश करने का तरीका ये है कि पहले इसको सॉइल से निकालेंगे। देखिए, इसमें पानी नहीं पड़ा हुआ है तो ये बहुत ही हार्ड हो गया है, नहीं निकल रहा है, फिर भी हम इसको ठोकना जारी रखेंगे और किसी चीज़ के माध्यम से इसको हम बाहर निकालेंगे। थोड़ा समय लगेगा। रेड मीडिया में यही प्रॉब्लम होती है कि अगर इसमें पानी ना पड़े तो ये बिल्कुल पत्थर हो जाता है, इसीलिए हमेशा रेड मीडिया में कभी भी गुलाब नहीं लगाना चाहिए। और इसको निकालने में अगर ये गीला रहता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर ये सूखा हुआ है तो इसको निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो ये निकल रहा है थोड़ा सा और ये देखिए ये पूरा निकल आया। अब इसको करेंगे क्या, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, इसको ऐसे ही एक बाल्टी में बकेट में पानी लेकर के ऐसे इसको थोड़ी देर के लिए डाल देना है। ऐसे ही हम डाल देंगे ताकि मीडिया पूरी तरीके से धुल जाए। जब अभी ये धुल जाएगा तब आप देखेंगे कि पूरी तरीके से इसकी जो रूट है अपने आप ये छोड़ना शुरू करेगी। दिखाओ इधर, अभी आप देखेंगे कि पूरी तरीके से छोड़ना ये शुरू कर दिया इसने, लाल मिट्टी ये पूरी तरह से रूट इसने छोड़ दिया है। इस तरीके से ये हो गया है, थोड़ा सा और वाश कर लेंगे ताकि मिट्टी पूरी तरीके से ये निकल जाए और इसकी जो फाइबर जड़े हैं वो दिखने लगे, सफ़ेद जड़े जो हैं। ये रूट बाउंड हो रहा था कमरे में, देखिए ये रूट बाउंड हो रहा था कमरे में, इसलिए इसको बड़ा गमला देना ज़रूरी था। अब इसको हमने निकाल लिया है, अब ये गमला हम लेंगे और इस गमले में हम ये सेंडर को डालेंगे और फिर इसके बाद ये जो हमारा ग्राफ्टिंग पोर्शन है इसको ऊपर रखते हुए इसको ऐसे रख देंगे और शेष सेंडर को इसमें भर देंगे। इसको दबाते जाएंगे क्योंकि सेंडर हल्का होता है, इसलिए इसमें पौधा जल्दी स्टेबल नहीं हो पाता है, इसको सपोर्ट देना पड़ता है किसी डंडी का या किसी का भी, फिर भी एक टूल है इसकी सहायता से हम इसको इस तरह से इसको ठोक देंगे। इस साइज के सेंडर की विशेषता यह होती है कि इसमें मॉइस्चर बना रहता है। अगर आप बड़ा सेंडर 3 mm का लेंगे तो उसमें एक समस्या हो सकती है कि आपको रोज़ पानी डालना पड़ेगा सेंडर में, वैसे डेली पानी डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरह का सेंडर लेंगे या एक या दो दिन पानी नहीं डाल पाए किसी कारणवश तो आप का गुलाब सूखेगा नहीं। ये मैंने पूरा सेंडर में गुलाब लगा दिया, ये देख लीजिए ये। अब इसमें करना क्या है कि खूब भर के वाटरिंग कर देनी है, ये देखिए इसमें खूब पानी डाल देना है, खूब भर के वाटिंग कर दीजिए इसमें।
इतना वाटिंग कीजिए कि नीचे से पानी निकलने लगे। देखिएगा अभी वो नीचे से पानी आ गया, इतना वाटिंग इसमें कर दीजिए खूब कायदे से। पौधे को भी नहला दीजिए। इतना वाटिंग करने के बाद इसको किसी सेमी सेड एरिया में अथवा किसी नेट के नीचे आप इसको डाल दीजिए। और दूसरे दिन से इसमें भोजन देना है हमें। दूसरे दिन से कौन सा भोजन देंगे? 1 ग्राम 1 लीटर पानी में 12 XR00 के साथ ह्यूमिनाल, कोई भी आपके पास ह्यूमिक एसिड है वो 1 ग्राम या 1 ml लेकर के मिला करके इसमें एक दिन छोड़ करके लगातार 1 महीने तक देना है आपको, ताकि इसको भोजन पर्याप्त रूप से मिलना शुरू हो जाए। और जब ये देते रहेंगे उसके बाद फिर हमें 19, 19, 05, 34 जो भी हमें चाहिए वो NPK इसमें डालना है। दोस्तों यही आज का वीडियो था इस सेंडर के ऊपर। और इसी तरह से सेंडर में रिपोर्ट कीजिए, आपका जो गुलाब है खूब अच्छे तरीके से चलेगा और अच्छे तरीके से खूब डेवलप करेगा, रूट खूब डेवलप करेंगी। सेंडर में गुलाब के मरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लगभग 90% गुलाब सर्वाइव कर जाते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको शेयर भी कीजिए। मेरे चैनल पर आने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।